StudyIQ में आपका स्वागत है। आज लर्निंग फाइव वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस के सीरीज को बढ़ाते हुए हम सेट 102 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन इससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं सिक्स इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द सिंपल वर्ड फूल। फूल शब्द के सिमिलर मीनिंग्स, पर्यायवाची शब्द, छह पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। फाइव वर्ड्स को देखने से पहले क्विकली हम एक तो ऐसे वर्ड्स जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो जस्ट स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड वॉमिटोरियम। वॉमिटोरियम को हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है, इट इज़ द एंट्री एंड एग्जिट गेट ऑफ अ रोमन थिएटर। तो रोमन थिएटर में, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, वॉमिटोरियम नाउन का अर्थ था द एग्जिट और एंट्रेंस इन द एंशंट रोमन थिएटर। एक और वर्ड जो हम देख चुके हैं, पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि डरपोक है, कमजोर है, कमजोर दिल वाले हैं, उनके लिए हम लोगों ने पुसिलैनिमस शब्द का प्रयोग किया था। इस एडजेक्टिव का अर्थ है लैकिंग इन करेज, ऐसा व्यक्ति जो कि डरपोक हो। नोइसम, नोइसम का अर्थ था ऐसी चीज़ जो कि बदबूदार है, हानिकारक है, नुकसान पहुंचाने वाली है और बहुत गंदी है या गंदा है। सो एन ऑफेंसिव स्मेल, एज वी कैन सी ओवर हियर इन द इमेज, ये नोइसम एडजेक्टिव का अर्थ था। एक और शब्द जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का अर्थ है लैकिंग इन एनर्जी, कमज़ोर हो जाना। सो ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, जब आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रह गई है, एज वी कैन सी हियर इन द इमेज, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव एनर्वेटेड। मूविंग ऑन नाउ टू द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, वेयर विथ हॉल। वेयर विथ हॉल जो शब्द है ये बहुत ही सिंपल और काफ़ी बार प्रयोग किए जाना वाला शब्द है। इसका अर्थ होता है कि आपके पास बेसिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं, आपके पास सारे साधन है कि नहीं। वेयर विद ऑल, वेयर विद ऑल का अर्थ होता है साधन, मीन्स और रिसोर्सेज फॉर परचेसिंग और डूइंग समथिंग। ये आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, आपके फाइनेंशियल साधन हो गए, मनी हो गए, उसके लिए हम वेयर विथ हॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं जिसके थ्रू ये शब्द और क्लियर हो जाएगा। इफ़ आई हैड द वेयर विथ हॉल आई वुड हैव अडॉप्टेड टू मोर डॉग्स। इफ़ आई हैड द वेयर विथ हॉल, अगर मेरे पास साधन होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती, आई वुड हैव अडॉप्टेड टू मोर डॉग्स। वेयर विथ हॉल, दैट्स द वर्ड। Moving on to the next word, tomfoolery. Tomfoolery का अर्थ होता है foolish behavior, horse play शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मूर्खतापूर्ण अगर आप व्यवहार कर रहे हैं या मूर्ख व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हम tomfoolery शब्द का प्रयोग करते हैं। Playful और foolish behavior, horse play is an important synonym of the word tomfoolery. Foolish या फिर silly behavior, मूर्खतापूर्ण, तब उसके लिए हम tomfoolery शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका usage देखते हैं, there is a lot of tomfoolery behind the scenes, there is a lot of tomfoolery, बहुत ही मूर्खतापूर्ण behave करते हैं। Moving on to the next word, susurrus या susurrus। susurrus का अर्थ होता है whisper करना, जब आप धीरे से बोल रहे हैं किसी के कानों में या फिर धीरे से हवा चल रही है, तो उसके लिए, उस साउंड के लिए, whispering साउंड के लिए हम susurrus शब्द का प्रयोग करते हैं। इस एडजेक्टिव का अर्थ है full of whispering sounds, a hum, ऐसी आवाज़ निकालना, a hum, whisper, it is characterized by soft sounds, धीरी आवाज़ में जब बोला जाता है, बहुत धीरे से बोला जाता है, इस तरह की sounds के लिए हम susurrus शब्द का प्रयोग करते हैं। As we can see here in the image, full of whispering sounds is the meaning of the adjective susurrus. इसका एक यूसेज देखते हैं, द susurrus साउंड ऑफ द चाइल्ड मेड देम फील अनईजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टॉक्सिक। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला, और ये ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का वूटी था। इट वॉज द वूटी, दैट मीन्स द वर्ड ऑफ द ईयर 2018। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, और इसका अर्थ हो जाता है कोई चीज़ जो कि पॉइजनस है, लीथल है, विषैली है, डेंजरस है। एंड यहाँ पर परनिशियस इज एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड
टॉक्सिक, लीथल, फेटल, मलिग्नेंट, ऐसे शब्द आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम है टॉक्सिक के. इसका एक यूसेज देखते हैं. मैनी डॉक्टर्स एडवाइस टू नॉट मिक्स alcohol and drugs together because it can be a toxic combination for the patient. It can be a deadly combination. It can be a lethal combination. Vishela ho sakta hai agar hum drugs or alcohol ko mix kar rahe hain for the patient. Moving on to the next word, feckless. Feckless shabd ka arth hota hai ek irresponsible behavior ya ek irresponsible vyakti. Aisa vyakti jo ki laparwah hai, bahut hi zyada bekar hai ya nirbal hai, unke liye hum feckless shabd ka prayog karte hai. This adjective means lacking initiative nahi lete hai, or strength of character, someone who's irresponsible, that is when we are using the adjective feckless. Feckless ka arth ho jata hai useless, worthless, good for nothing, lazy, slothful, indolent, aimless. Ye sare ke sare important synonyms hai hamare word feckless ke. Yahan par, now quickly moving on, hum logon ne starting mein pucha tha, important synonyms kya hai, the word, six important synonyms kya hai, word fool ke, aur yahan par as we can see, dunce, dullard, silly billy, nincompoop, blockhead, dumbo, these are six very crucial yet simple synonyms of the word fool. आप मुझे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.